हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे से ही होंगे, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं टेरेस गार्डन पर थोड़ा जो मिक्स वाला है, प्लांट्स सब जो मिक्स लगाए हुए हैं उसको मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एरिका पाम को दिखा रही हूँ, जो किनारे किनारे एरिका पाम लगा हुआ है, सारे एरिका पाम लगाया हुआ है, तो इसको मैं दिखा रही हूँ। एरिका पाम है और इस तरह से भी है, और इसका देख रेख भी मैं खुद करती हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ। उसके नीचे नीचे में जो है सिंगोनियम है, पीस लिली है, डेफोडिलिया है, ड्रेसिना है, ग्रीन ड्रेसिना है। उसके बगल में भी सिंगोनियम है, अम्ब्रेला, क्रोटन है, फर्न है, रेड ड्रेसिना है और क्रोटन भी है। रेओ प्लांट है, और कोलियस भी है। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। और ये सब पौधा छत पे जहाँ पे कपड़ा धुलाता है वहाँ पे शेड है। ऐसे तो मेरे ग्रीन शेड नहीं लगा हुआ, ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है मेरे टेरेस गार्डन पर। तो जो थोड़ा शेड है, जो कपड़े सुखाने के लिए रखे, उसमें जो पौधा रखी हूँ, इसका इस तरह का ग्रोथ है। और मैं दिखा रही हूँ ओपन छत में जो है, उसका भी बारिश से बहुत हालत ख़राब हो गई। लगातार 3-4 दिन बहुत बारिश हुई, तो पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे हैं और पत्तियां झड़ रही हैं। पीली होने के बाद पत्तियां झड़ रही हैं। ये अंदर शेड में है, उसको मैं दिखा रही हूँ। और ये सब एरिका पाम के जो नीचे है वो सब 1 साल के अंदर का सब लगा हुआ छोटा छोटा पौधा जो है, कोई 6 महीने का है, कोई 1 साल का है। तो इस तरह से इसका ग्रोथ है, मैं दिखा रही हूँ। अभी मैं छत पे आई तो सोची कि एक वीडियो बना लूँ, ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी भी थोड़ी बारिश हो ही रही है, तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? और इसमें तो मैं कभी कभी वर्मिंग कंपोस्ट तो देती हूँ और उपला का पानी भी दे रही हूँ, बीच बीच में उपला का पानी दे देती हूँ। अभी उतना फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पाई हूँ, नहीं ला पा रही हूँ, लॉकडाउन के चलते बहुत मुश्किल हो रहा है, तो नहीं जा पा रही हूँ। तो इसलिए तो ये मेरा अभी का ये ग्रोथ है। और इसमें पफ भी निकला हुआ है, ड्रेसिना में नीचे बहुत पफ निकला हुआ है। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।